जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आज मैं कान्हा जी के लिए सुंदर माला बनाने सिखाऊंगी। इसके लिए हमको चाहिए स्काई दुधिया कलर के मोती, डायमंड, पिंक कलर के मोती, धागा, कैंची। अब मैं माला पंचिंदा माला बांधने के लिए अब मैं माला बनाने स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें पहले चार कलर के चार स्काई मोती लेना है। 1, 2, 3, 4 चार स्काई कलर के मोती लेना है इस तरह। अब पहला जो गांठ के बाजू में नोट के बाजू में दो मोती है उसमें से सुई निकालनी है। इस तरह चार मोती हो जाएगा चौकी, आप देख सकते हो। अब फिर से चार मोती लेना है। 1, 2, 3, 4 फिर से चार मोती लेकर ये धागे वाला में से नहीं, धागे वाले बाजू में से दो मोती है उसमें से सुई निकालनी है इस तरह। अब जो धागा है उसके बाजू में से मोती में से चार मोती में से सुई निकालनी है। 1, 2, 3, 4 इस तरह चार मोती में से सुई निकालनी है, आप देख सकते हो। अब फिर से चार मोती लेना है। 1, 2, 3, 4 फिर से चार मोती लेकर दो मोती में से सुई निकालनी है, धागे के पास के दो मोती में से सुई निकालनी है इस तरह। दो मोती में से सुई निकालनी है। अब फिर से चार मोती में से सुई निकलेगी हमारी इस तरह, और ये दो मोती की लाइन बनने जा रही है, दो मोती की लाइन बनने जा रही है। इसी तरह हमें जितनी लंबी माला करनी है इसी तरह हर बार चार चार मोती ही लेना है और दो मोती में से सुई निकालनी है। 1, 2, 3, 4 और फिर से दो मोती में से सुई निकालनी है और वापस चार मोती में से, पहले दो मोती में से सुई निकालनी है फिर चार मोती में से सुई निकालनी है। बहुत आसान है ये माला बनानी। अब चार मोती में से सुई निकलेगी इसी तरह। अब फिर से चार मोती लेना है। 1, 2, 3, 4 और फिर दो मोती में से सुई निकालनी है। वापस चार मोती में से 1, 2, 3, 4 अब ये 26 लगिन मोती में से हम इस तरह लाइन बना लेंगे। 3, 2 इस तरह हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो इसी तरह। अब हम यहाँ नोट लगा लेंगे। यहाँ इस तरह नोट लगा लेंगे, फिर से दो बार नोट लगा लेंगे। अब सुई से ये मोती में से तीन चार मोती में से हमें सुई निकालनी है, हमारा धागा दिखता नहीं है इसलिए। अब कैंची में से धागा कट कर लेंगे। इस तरह ये लाइन कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो इस तरह लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम फूल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें पहले 10 मोती लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10 मोती लेना है।
10 मोती लेकर जो ये नोट के बाजू में से मोती है उसमें से सोई निकालनी है, एक ही मोती में से सोई निकालनी है इस तरह। हमारा राउंड हो जाएगा। अब हमें 5 मोती लेना है, एक दो 5 मोती ले लिया है। अब हमें एक मोती छोड़कर एक मोती में से सोई निकालनी है, एक मोती छोड़कर एक मोती में से इस तरह। तो फिर से 5 मोती लेना है, एक दो 3 4 5, और फिर से एक मोती छोड़कर धागे के पास के मोती छोड़कर एक मोती छोड़कर एक में सोई निकालनी है इस तरह। 5 पंखड़ी बनेगी हमारी फूल की इस तरह। हर बार एक मोती छोड़कर एक मोती में से सोई निकालनी है और 5 ही मोती लेना है, एक दो 3 4 5, और एक मोती छोड़कर एक मोती में से सोई निकालनी है। इस तरह हमें फूल कंप्लीट कर लेना है। 1 2 मोती है तो जिस लाइन से एक मोती छोड़कर ही रखना है, तो सोई एक मोती में से सोई निकालनी है। इस तरह एक 5 मोती के फूल तैयार हो गए हैं। अब ये दो ऊपर का अपने जो 5 मोती ले हैं उसमें से 2 मोती में से सोई फिर से निकालनी है इस तरह। अब फिर से 5 मोती लेना है, 1 2 3 4 5, और एक मोती छोड़कर एक मोती में से सोई निकालनी है, एक मोती बीच में से छोड़कर एक मोती में से सोई निकालनी है। अब एक पिंक मोती लेकर जो हमने पांदड़ी बनाने के 5 मोती ले हैं उसमें से उपले 3 मोती में से एक मोती में से सोई निकालनी है और फिर से 5 मोती लेकर 1 2 3 4 5, 5 मोती लेकर बीच के मोती छोड़कर एक मोती छोड़कर एक मोती में से सोई निकालनी है। हमें ऊपर ना 3 ही मोती लेना है और 5 मोती छोड़। और फिर से एक पिंक मोती लेना है और ये उपला के 3 मोती है, 5 मोती में से 3 मोती इसमें से सोई निकालनी है। फिर से 5 मोती लेना है, 1 2 3 4 5, एक मोती छोड़कर एक मोती में से सुई निकालनी है इस तरह। पूरा फूल कंप्लीट कर लेना है। अब हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। लास्ट तक भी जो हमने 2 मोती में से पहले सुई निकाली थी उसी मोती में से सुई निकालनी है, एक मोती लेकर इस तरह फुल कंप्लीट हो गए। अब फिर से जो 5 मोती लिया है उसमें से 2 मोती में से सोई निकालनी है और जो ये बीच का मोती है उसे छोड़कर फिर से पास वाले 2 मोती में से सोई 3 मोती में से सोई निकालनी है इस तरह। 3 मोती में से बीच का एक मोती छोड़ देना है। हमें फूल का प्रॉपर शेप देना है इसलिए इस तरह अणिवारा हमारा हो जाएगा, अणिवारा। अब फिर से ये 2 मोती में से 3 मोती में से सोई निकालनी है। बीच का मोती जो लिया है उसमें से बीच में हमने जो एक मोती लिया है उसमें से सोई निकालनी है, फिर से 3 मोती में से सोई निकालनी है। इस बार हमें मोती नहीं लेना है, सिर्फ 2 धागा ही काटना है मोती में से। अब बीच का मोती छोड़कर फिर से 3 मोती में से सोई निकालनी है इस तरह। इस तरह पूरे फूल में धागा हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हो।
फिर से बीच में मोती में से और पास वाले तीन मोती में से पंख के तीन मोती में से अभी फिर से तीन मोती में से सोई निकालनी है। बीच का मोती हर बार छोड़ देना है। इसी तरह पूरा फूल में से धागा निकाल लिया। अब इस तरह हमें पूरे मोती में से धागा निकाल लिया है, कंप्लीट कर लिया है पूरे मोती। अब हमें ये यहाँ तक पहुँचना है, ये रिंग बनाई वहाँ तक, उसमें से हम सुई निकाल लेंगे। इस तरह मोती में से सुई निकालें, बीच के मोती में से। अब हमें पांच मोती फिर से लेना है। हम दो पंखने वाले पंख फूल बना चाहे, इसे फिर से पांच मोती लेना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। और जो ये पंख ली थी उसका बीच का मोती हमने रख दिया था जब हम फूल बनाने जा रहे थे, उस बीच मोती में से सुई निकालनी है। जब हमने पहली बार पाखड़ी बनाई थी उसमें से एक मोती छोड़कर बनाई थी ना, तो ये बीच वाला मोती में से हम सुई निकालेंगे। इसी तरह ये पंख हमारी दो पंख के बीच आ गई है। आप देख सकते हो दो पंख के बीच हमारी ये पंख आ गई है। अब फिर से पांच मोती लेना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच मोती लेकर फिर के जो पंख वाले में बीच का मोती है उसमें से हम सुई निकालेंगे। हमारी सुई आसानी से निकल जाएगी, इस तरह निकालेंगे ना, इसलिए। अब फिर से पांच मोती लेना है। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, सॉरी पांच मोती, पांच। अब फिर से बीच का मोती है उसमें से हम सुई निकालेंगे। इस तरह हर बार बीच में ही हमारी पंख आएगी। ये दो पंख ऊपर वाली है उसके बीच में से पंख आएगी हमारी। अब फिर से पांच मोती लेना है। एक, अब हम लास्ट तक पहुंचने जा रहे हैं। फिर से पांच मोती लेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच मोती लेकर जो हमने पिंक में पंख में पंखड़ी है उसमें से मोती डाला है, उसी मोती में से पांच हमारी सोई निकलेगी। यहाँ नोट लगाए होते हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह आप देख सकते हो दो पंखड़ी वाले हमारे फूल हो गए हैं, दो स्टेप के, एक ये और एक ये। आप देख सकते हैं दिखाई देता है इसलिए। अब हमें फिर से यहाँ जो चांच बनाई है उसी तरह यहाँ भी बीच का मोती छोड़कर ये शेप आप देंगे। हम तो धागा ही निकालना है। दो मोती में से सुई निकालकर एक मोती बीच का छोड़कर फिर से दो मोती में से सुई निकलेगी।
इस तरह पूरा हो जाएगा तब कंप्लीट देखेगा, इस तरह बना लेंगे। फिर से सुई निकालेंगी जो पंख वाला मोती है उसमें से, फिर से अब बीच का मोती छोड़कर फिर से दो मोती में से सुई निकालेंगे। इस तरह फिर से धागे में से सुई मोती में से सुई निकालेंगे, फिर से दो मोती में से सुई निकालेंगे। इस तरह हमें पूरी पंखुड़ी में से धागा निकाल लिया है। अब हम ये सुई को यहाँ पीछे से मोती निकाल कर यहाँ तक पुगाएंगे। ये पहली पंखुड़ी वाला टॉर्च का मोती है, वहाँ तक पहुँचाएंगे सुई को। हम फूल उल्टा कर लेंगे। अब इस तरह जिस तरह सुई पास होती है मोती में से, उसी तरह पास करके इस तरह इसी तरह सोफा निकाल ली हमें। अब हम यहाँ भी अब हम दूधिया कलर के मोती चार लेंगे। एक दो, हमने टॉर्च तक नहीं सोई पहुँचाई है, कहाँ यहाँ हमें इस तरह का लटकन करना है। इस माला में जो ये लटकन है इस तरह का लटकन करना है, इसलिए जो ये पांच मोती है उसमें से ऊपले तीन मोती में से हम लटकन बनाएंगे। इसलिए ये एक मोती छोड़कर एक मोती में से धागा है हमारा। अब हम चार मोती लेंगे दुधिया कलर के, तीन चार, चार मोती लेकर हम ये दुधिया कलर का पहला वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह। इसी तरह बनेगा। अब हम ये मोती में से वापस सुई निकाल कर हमारा जो टोच वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। इसी तरह अब फिर से चार दुधिया कलर के मोती लेंगे, एक दो तीन चार, चार मोती लेकर फिर से पहला वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। इसी तरह अब फिर से इसी मोती में से वापस सुई निकाल कर पास वाले मोती में पहुँचेंगे हम। अब ये पास वाला मोती में से सुई निकाल कर फिर से चार मोती लेंगे, एक दो तीन चार। फिर से ये दुधिया मोती में से पहला वाला दुधिया में से सुई निकालेंगे इसी तरह। फिर से पिंक मोती में से सुई निकाल कर इसी तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हो बहुत सुंदर दिखता है फूल। अब हम यहाँ पे नोट यहाँ तक सुई ले जाकर फिर से मोती में से सुई निकाल कर इसी तरह अब यहाँ नोट लगा लेंगे। अब एक ही बार नोट लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें कई बार मोती में से सुई हमारी धागा पास हो गया है। इस तरह नोट लगा लेंगे। फिर से पास वाले जो भी मोती है उसमें से हम सुई निकालेंगे। अब हम धागे को कट नहीं करेंगे। धागा यहाँ ये दो पंख है उस तरह हम
किसी भी मोती में से दो धागा पास कर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर से ये मोती में से टोच वाला मोती है उसमें से सोने निकालेंगे, और जो हमने लाइन बनाई थी मोती की माला की वो उसमें से या बीच धागे में से बीच में से सोई निकालेंगे, मोती में से नहीं बीच का धागे में से सोई निकालेंगे। और इस तरह हम पूरा जॉइंट कर लेंगे। देख सकते इसी तरह हम जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम वापस ये बीच में से सुई निकालेंगे, वापस पिंक मोती में से सुई निकालेंगे। इसी तरह हम दो बार तीन बार जितनी बार सुई निकले इतनी बार सुई निकालेंगे। दो बार निकलेंगे तो भी टूटेगा नहीं। फिर से धागे में से सुई निकाल कर फिर से ये पिंक वाले मोती में से सुई निकलेंगी हमारी। यह हमारा जॉइंट हो गया है। अब यहाँ एक नोट लगा लेंगे, धागे में से ही हमारी सुई निकल कर नोट लगा लेंगे। नोट लगा कर यह हमारा द्वितीय कलर का लाइन वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। इसी तरह ये जॉइंट हो गई है। अब देख सकते हैं ये हमारी जॉइंट हो गई है। अब हम कैंची से यहाँ से धागा निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे ये जड़तर लगा लेंगे। इस तरह अब यहाँ ये लाइन पे डायमंड लगा लेंगे। इसी तरह हमारी माला कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।